फिर बढ़ते हैं रिपोर्टर लाइव में, रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की तरफ, जान लेते हैं प्रदेश का हाल, क्या कुछ खबरें हैं जो सुर्खियों पर बने रहने वाली हैं। सबसे पहले जानिए लोरमी विधानसभा क्षेत्र का हाल। हमारे साथ योगेश मौर्य सीधे जुड़ गए हैं। जी लोरमी विधानसभा क्षेत्र की अगर बात की जाए योगेश, तो क्या कुछ खबरें हैं जो आज दिनभर सुर्खियों पर बने रहने वाली हैं? जी, अगर लोरमी विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो लोरमी विधानसभा क्षेत्र में जो लगातार बिजली की कटौती हो रही है, ये भी सबसे बड़ा अहम मुद्दा है यहाँ के लोगों के लिए। बता दें कि लगातार नगरीय क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार बिजली विभाग के द्वारा कटौती की जा रही है, जिससे यहाँ पर लोगों को खासी परेशानी हो रही है, क्योंकि गर्मी का तापमान लगातार बढ़ते जा रहा है। हालांकि भी पिछले दिनों यहाँ पर बारिश हुई थी, जिससे जो गर्मी है उससे थोड़ी राहत तो मिली है, लेकिन बिजली विभाग के द्वारा लगातार कटौती की जा रही है, जिसके कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अभी गर्मी के मौसम में किसानों के द्वारा खेती की जाती है, खेती के लिए पानी की जरूरत पड़ती है, लेकिन पानी तभी होता है अगर बिजली की सप्लाई हो तो सही रूप से पानी की सप्लाई भी हो पाती है, लेकिन बिजली की कटौती के कारण लगातार यहाँ के किसानों को भी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर जिला पंचायत के सदस्य एवं बीजेपी नेत्री शीलू स्वप्निल साहू के द्वारा अभी हाल ही में लोरमी SDM पार्वती पटेल को ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण भी उपस्थित थे। गोत्र के ग्रामीण आए हुए थे, जिनके द्वारा आरोप लगाया जा रहा था बिजली विभाग के ऊपर कि उनके द्वारा लगातार कटौती की जा रही है, जिसके कारण खेतों में पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही है, साथ ही गर्मी से लोगों को भी राहत नहीं मिल पा रही है, जिसके कारण ये जो कठिनाइयां हैं उनका सामना करना पड़ रहा है। वहीं अगर लोरमी नगर की बात करें तो लोरमी नगर में भी लगातार बिजली विभाग के द्वारा कटौती की जा रही है, जिसके कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अगर पुलिस विभाग की बात करें तो पुलिस विभाग के द्वारा लोरमी नगर के व्यापारियों को अल्टीमेटम दिया गया है, जिस तरह से अवैध कब्जा उनके द्वारा सड़क के किनारे कर लिया गया है, जिसके लिए पुलिस विभाग के द्वारा और एवं राजस्व विभाग के द्वारा यहाँ के व्यापारियों को नोटिस दिया गया है, अल्टीमेटम दिया गया है कि 2 दिनों के भीतर अपने दुकान के सामने जो अवैध अतिक्रमण उनके द्वारा किया गया है उसे हटा लिया जाए, नहीं तो मजबूरन उन्हें उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पूर्व में भी नगर पंचायत CMO के द्वारा यहाँ के व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी, जिसमें जो अवैध कब्जा किया गया था उसमें अवैध कब्जा को हटाया गया था, लेकिन ये कुछ दिनों के बाद भी ही यहाँ के व्यापारियों के द्वारा यहाँ पर कब्जा कर लिया गया है। और एक अहम मुद्दा यह है कि अभी हाल ही में खुड़िया वन परिक्षेत्र के में वन ग्राम खुड़िया में एक भालू का शव मिला था, जिसकी करंट की चपेट में आने से मौत की आशंका व्यक्त की गई थी, जिसके बाद लगातार वन विभाग और बिजली विभाग कटघरे में है। वहीं वन विभाग के बिजली विभाग के ऊपर आरोप लगाया है कि बिजली विभाग की गलती के कारण यहाँ पर जो भालू है उसकी मौत हुई है। वहीं बिजली विभाग का कहना यह है कि अगर तार टूटा हुआ है तो टूटे तार में बिजली की सप्लाई कैसे हो सकती है, तो भालू की मौत कैसे हो सकती है, ये एक बड़ा सवाल है। अब दोनों विभाग कटघरे में नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस मामले को लेकर वन विभाग के जो उच्चाधिकारी है इस मामले में किस तरह से जांच कराते हैं और किसे दोषी ठहराते हैं। जी योगेश, बिजली कटौती की जानकारी आपने दी, कब से लोगों को दिक्कतें हो रही हैं और लोगों की शिकायत के बावजूद क्या बिजली विभाग ने किसी तरह का कोई कदम नहीं उठाया है जिससे लोगों को परेशानी न हो? जी बिल्कुल, ये जो समस्या है लगातार पिछले एक हफ्ते से लगातार जारी है, बदस्तूर जारी है, जिसके कारण यहाँ के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और जब SDM को इस मामले की जानकारी हुई तो SDM ने तुरंत वहीं पर बिजली विभाग के जो लोरमी विकासखंड के जो उच्च अधिकारी हैं असिस्टेंट इंजीनियर, उन्हें कॉल किया था। उन्होंने बताया था कि जिस तरह से लगातार सब स्टेशनों में लोड बढ़ते जा रहा है, जिसके कारण बिजली की कटौती हो रही है, वहीं लोरमी सब स्टेशन और झजपुरी सब स्टेशन में जो उसकी भार क्षमता है उसको बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं, इस तरह का जवाब असिस्टेंट इंजीनियर के द्वारा दिया गया है, जिसके बाद ये जो समस्या है वो खत्म हो सकती है। जी आपराधिक गतिविधियों की अगर बात की जाए तो क्या कुछ खबरें हैं जो सुर्खियों पर रह सकती हैं अपराध जगत की अगर बात करें? जी अगर आपराधिक गतिविधियों की बात करें तो अभी हाल ही में कोई बड़ी आपराधिक घटना नहीं हुई है। जो पूर्व में आपराधिक घटना हुई थी उसके जो आरोपी हैं वो सभी आरोपी जेल दाखिल कर दिए गए हैं। छोटी मोटी आपराधिक घटनाएं हो रही हैं जिसपे पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है, चाहे वो जुआ की बात करें, सट्टा की बात करें, अवैध शराब की बिक्री की बात करें, तो लगातार इन तीनों केसों पर जो पुलिस विभाग है, लोरमी थाना क्षेत्र हो या चिल्पी थाना क्षेत्र या लालपुर थाना क्षेत्र, सभी थाना क्षेत्रों के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। अभी फिलहाल में कोई बड़ी आपराधिक घटना यहाँ पर लोरमी विधानसभा क्षेत्र में देखने को नहीं मिली है। मौसम को लेकर अगर बात करें तो योगेश, दुर्ग, रायपुर और बिलासपुर संभाग में मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है और ऐसे में लोरमी विधानसभा क्षेत्र की अगर बात की जाए तो क्या कुछ जानकारी है मौसम को लेकर?
जी बिल्कुल, जिस तरह से मौसम विभाग के द्वारा अलर्ट जारी किया गया है, बिलासपुर संभाग में अलर्ट जारी किया गया है, तो यहाँ पर पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, रात को भी बिजली कड़कती है, जिसके कारण यहाँ पर बारिश भी हो रही है। और ये जो बारिश हो रही है, बेमौसम बरसात हो रही है, इससे किसानों को काफी खासी परेशानियां हो रही हैं, जी क्योंकि फसल अभी कटाई नहीं हो पाई है, जिसके कारण ये फसल नुकसान होने की संभावना बहुत ज्यादा व्यक्त होती जा रही है। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया योगेश।